जिया के स्थान है, वो संख्या अब 60 नहीं, 65 नहीं, अभी तक क्योंकि अभी और भी बनेंगे, अभी तक समय के अनुसार 65 हो गई है। 65 मिश्रिकों अब तो किरणेशी के नाम है, जिनमें दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, वे 5 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। सबसे पहले 23 सितंबर 2015 को जब हे अल्लाह मैं तुझे भेड़ों का दूध पिला। सो कहने का मतलब भगवान को कोई अमीरी से कोई गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है। जो ईश्वर की औलाद का भला करते हैं, जो इंसानियत के भले के कार्य करते हैं, चाहे वो कैसे भी कपड़े क्यों ना पहनते हो, भगवान की कृपा पात्र, अल्लाह के रहमो करम के हकदार वो जरूर बना करते हैं। एक बात है रूहानियत में, अगर पकड़ो तो जो आप अपने में देखते हो वो चला जाता है, और जो दूसरों में देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। यानी अपने अंदर देख के खुश होते हो वो चला जाता है, और दूसरे का देखते हो वो चला आता है, आपके अंदर आ जाता है। तो इसलिए अपने अंदर के अवगुण देखा करो ताकि चले जाएं, और दूसरों के गुण देखा करो ताकि आपके अंदर आ जाएं। पर ऐसा तो होता ही नहीं। हर इंसान अपने गुणगान गाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे में ये है। तो कहते हैं बकरा मेमना ज्यादा करता है उतना जल्दी कसाई के घर जाता है। जितना आदमी की खुदी ज्यादा बढ़ती चली जाती है उतनी अल्लाह नाम से दूर होता चला जाता है। जो झुकते हैं फल उन्हीं पेड़ों को लगा करता है, जो तने रहते हैं फल उनमें कम ही आता है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी दोस्त। जो इंसानियत को बुलंद करते हैं, मानवता की सेवा करना, किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, इसको शैतानियत कहते हैं, किसी को राक्षसी पद कहते हैं। लोग कहते हैं तू पशु बन गया, पर आप जानते हैं आज पशु किसे कहा जाए। हम दो उदाहरण आपको देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में यहां हम रहा करते थे, नीलगाय, हिरण, मोर, बहुत सारे पक्षी जानवर रहते थे। अब जमींदार के खेत को वीरान कर देते थे तो वो कांटेदार तार लगा देते थे या झाड़ियां। तो एक बार हमने देखा एक मृग का झुंड खेतों में चल रहा था, किसान आया, मृग भागे, बाकी तो निकल गए, लेकिन एक जब निकलने लगा तो लोहे की तार उसकी गर्दन में लगी और जख्म हो गया। हम उसके पीछे पीछे गए, क्या देखते हैं, खून बह रहा है, बाकी के मृग उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, और एक मृग एक हिरण जीभ से जख्म को चाट रहा है। गाड़ियां आ रही थी,
ब्रेक लगा रही थी, उसको देखते थे और जा रहे थे, देखते थे और जा रहे थे, कोई उठा नहीं रहा था। अब आप बताइए, पशु ये है या पशु वो है? नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़ पाए कम पढ़ पाए, सभी धर्मों पे रिसर्च किया, तो एक बार एक साइंटिस्ट कहने लगे, गुरुजी आप बताओ आपकी भारत की संस्कृति में ऐसा क्या है जो हमारे नहीं। हमने कहा हमने हमारी संस्कृति का ABC यानी ए बता दिया तो आपका ए से जेड तक कहीं नहीं मिलेगा। कहेंगे ऐसा क्या है? तो आप लोग भी सुनिएगा जिन्होंने कभी हमारी संस्कृति को पढ़ा नहीं या माना नहीं। हमने उनसे कहा जब हम छोटे होते हैं बिस्तर में अगर पेशाब कर दें, सर्दी का मौसम हो, हमारी मां हमें उठा के सूखी जगह लेटा देती है और गिल्ली जगह खुद लेट जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब हमारी मां बुजुर्ग हो जाती है, जब वो पेशाब कर बैठती है चारपाई पे, तो हम बेटे बेटियां उनका कंधा बन के उनका सहारा बनते हैं, उनको उठा के उनकी संभाल करते हैं। क्या पूरी दुनिया में ऐसी रीत है? तो वो सज्जन ने माना, गुरुजी हमारे तो जन्म देते साइड वाले कमरे में फेंक देते, बेटा यहीं बड़ा हो जाए, यहां तक कि माता दूध भी नहीं पिलाती बहुत जगह पर, फिगर खराब ना हो जाए। हालांकि इंडियन भी अब सीखने लगे हैं फिगर गड़बड़ ना हो जाए। जो हॉन्टेड बिल्डिंग है उसमें भूत रहते हैं, क्या आप ले सकते हो? हमने कहा हाँ जी, अगर भूत वाली बिल्डिंग है तो ले लेंगे, पर कोई जिंदा भूत नहीं होना चाहिए। हमने पता करवाया अपने दो चार लोगों को, वहां किराए पे रखा, पता चला वहां जिंदा भूत थे, ऊपर रहते थे, कब्जा किया हुआ था उस बिल्डिंग पे, बकरे के खून में कपड़े डुबो के द्वार के आगे रख जाते थे और जो आदमी दरवाजा खोलता था देख के भाग जाता था। तो हमने कहा अब हम नहीं, क्योंकि हमारा काम किसे लड़ना नहीं है। तो ये चीजें दुनिया में है लेकिन भूत बात कुछ नहीं है, ये फजूल की बातें हैं। भगवान का जन्म आप सवाल पूछो इसलिए भी हुआ, अगर उसका जन्म ना हुआ था तो आप ना होते, और अगर आप ना होते तो सवाल ना होता। तो भगवान का जन्म तब हुआ जब कुछ भी नहीं था, भगवान का जन्म तब हुआ जब कोई उसे जानता ही नहीं कि वो टाइम पीरियड क्या था, क्योंकि टाइम पीरियड तो भगवान ने बनाया, इसलिए उस समय टाइम पीरियड नहीं था। इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता कि किस टाइम हुआ, पर ये पक्का है भगवान का जन्म हुआ, भगवान है, भगवान था। अगर आपको यकीन नहीं तो आपको मंत्र बताते हैं, आप जाप कर लीजिए घंटा सुबह शाम 2 महीने जाप कीजिए, गारंटी हम देते हैं वो आपको अंदर से नजर जरूर आएगा। अजय हिंदुस्तान पिताजी 8:05 शाम मेरा हिंदुस्तान टीवी सीरियल कब तक आएगा जी? 8:05 शाम मेरा हिंदुस्तान टीवी सीरियल के लिए अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो अभी कुछ फाइनल नहीं। जगदीप चंडीगढ़ से पिताजी जूनियर MSc टाइटल से भी मूवी आनी चाहिए ताकि आपके बालक रूह की मस्ती भी देख सके। जी अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं, हाँ एक बुक हम जरूर लिख रहे हैं आत्मकथा, बाकी और हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। संजीव इंसान पिताजी एक नील गाय 25 फीट गहरे कुएं में गिरी हुई थी जिसे हमने कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला और उसकी संभाल की। बहुत अच्छी बात बेटा, किसी की भी जान बचाने से बड़ा पुण्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता, सो भगवान बहुत खुश है, दे बहुत आशीर्वाद। हरविंदर कौर श्री गंगानगर से सवाल की चुनी है, रूहानियत में मन और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा मूल तत्व है शरीर का और मन आदमी के दिमाग को काबू किए हुए एक शक्ति है।
इस युग में जितने भी नेगेटिव विचार आते हैं वो मन की देन है, और जितने पॉजिटिव विचार आते हैं वो आत्मा की देन है। आप किसकी ज्यादा सुनते हैं ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन हमने जो देखा है हमेशा मन की बातें लोग ज्यादा सुनते हैं और आत्मा की बात को दबा दिया जाता है, क्योंकि आत्मा कमजोर है, इसलिए आत्मिक कमजोरी आती है। जिसका टॉनिक सिर्फ मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र है, अगर वो जपोगे तो आत्मा बलवान होगी। ब्लॉक सगरिया राजस्थान की सात संगत, जिन दो गुमशुदा मंदबुद्धि भाइयों को 22 जनवरी के भंडारे पे आप जी के चरणों में नाम दिलवाने के लिए लेकर आए थे, आप जी की दया मेहर से उन दोनों के परिजनों का पता लग गया है। इनमें से एक 36 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को उसके परिजन यहाँ आकर ले गए हैं जी। दूसरा मंदबुद्धि भाई जो कैबूर सिरसी बिहार का निवासी है, उसे बिहार के 45 मेंबर और ब्लॉक भंगीदास अपने साथ लेकर जा रहे हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बड़ी बात। आपने दो लोगों को जो मंदबुद्धि यहाँ घूम रहे थे उनका इलाज करवाया, उनके परिवारों को मिलाया, तो भगवान आपके घरों में खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। काम करते रहिए, ईश्वर खुशियां बख्शते। आखिरी सवाल, कशिश साहब ब्लॉक केरी, रूहानियत की दृष्टि से कौन अमीर होता है और कौन गरीब? जिनके अंदर आत्म बल होता है, जिन्हें आत्मिक शांति होती है, शरीर और दिमाग की जिनके पास शांति होती है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, और जिनके अंदर अशांति होती है, सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल होता है। तो ये आपके सवाल थे। तो प्यारी सासंगी जीओ, बहुत सारा प्रोग्राम और भी है, फिल्म की बहुत सारी चीजें लॉन्च होनी है, आज बातें होंगी आपसे उस बारे में। तो शास्त्र नाम जी का ये महीना, उसके लिए बहुत सारा कल्चर प्रोग्राम है, अलग अलग जगहों से बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं, बहुत कुछ वो दिखाएंगे। और उससे पहले कुछ चीजें हैं जो करने जा रहे हैं, तो डॉक्टर दिलावर वहाँ से बोलेंगे जी।